तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी हम लोग हैं फिश एंड फन भोपाल में और कुछ मछलियाँ हम लोगों ने खरीद ली है। तो अभिषेक भैया उसका पेमेंट कर रहे हैं। सो अभिषेक भैया कैसे हो भाई? अच्छा हूँ। तो भाई अभी हम लोगों ने लिए ब्लैक घोस्ट, ये देख सकते हो, ये दो पीस हैं जो अभिषेक ने लिए अपने खुद के लिए और हम दोनों यहाँ हर दूसरे तीसरे दिन आते रहते हैं। और ये रखिए घोस्ट फिश जो हमने निकलवाई है। मैं घोस्ट फिश का प्राइस आपको बताता हूँ आज के इस वीडियो में। सो ये वाली जो रखी हुई है और ये रखी थ्री, ये जो फिश रखी है ये रखी अराउंड 400 से 500 रुपीज़ फॉर अ पेयर। और ये है थोड़ी सी साइज़ है बड़ी, तो ये थोड़ी और महंगी है, समझ रहे हो। तो जैसा जैसा ये 400 से लेके तो 500 तक की फिशेज यहाँ पर हैं जो घोस्ट फिश हमने लोगों ने लिया है। सो आपको सब कुछ मैं आज के इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। सो अभिषेक तो अंदर गया। सो शुरुआत कौन सी फिश से करने वाले अपन आज? भाई आज करने वाले सिल्वर अलवाना से। सो भाई ये देखो सिल्वर अलवाना। सिल्वर अलवाना कब पालोगे ये बताओ पहले तो? भाई जब मेरे पास 10 फिट का टैंकर आएगा जब पालोगे। 10 फिट का? सो भाई सच बताऊँ ना, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है फ्लावर हॉर्न, नहीं सॉरी फ्लावर हॉर्न नहीं, सिल्वर अरवाना। सिल्वर अरवाना बट एक रीज़न है, मेरे घर पे ना उतना बड़ा टैंक नहीं है जिस वजह से मैं अरवाना पाल पाऊँ। और इसको ना बहुत ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होती है और वो केयरिंग के लिए मेरे पास थोड़ा टाइम का इशू है, वरना मैं ये ज़रूर पालता। और सो अभी यहाँ पे इतने सारे फिशेज हैं भाई कि मैं कहाँ कहाँ देखूँ। सो अभिषेक ना और फिश सेलेक्ट कर रहा है अपने खुद के लिए कि जो फिश इसको पसंद आएगी ये वो पैक कराने वाला है। और मेरे पास भाई बहुत सारे फिश हो चुके हैं इस वजह से मैं फिशेज वगैरह नहीं ले रहा हूँ अभी, बट बहुत जल्दी हम लोग फिश लेके जाने वाले अपने घर के लिए। और ये रखिए इम्पोर्टेड कोइस। सो भाई ये है इम्पोर्टेड कोइस और हम लोग जल्दी इम्पोर्टेड कोइस भी लेके जाएंगे अगर हमारे पास अच्छा टैंक हुआ। अभी मेरे पास टोटल 3 टैंक्स हो चुके हैं और 3 के अलावा मैं सोच रहा हूँ और अब और भी टैंक्स लेकर आऊँ। टोटल मैं 4 या 5 टैंक रखने वाला हूँ अपने घर पे और उनके लिए आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कौन कौन से फिश लूँ, है ना। हाँ अभिषेक आरटीसी दिखा दो। आज क्या आरटीसी? रेड टेल कैटफिश। रेड टेल आरटीसी भाई, मॉन्स्टर वैरायटी होती है। आज की वीडियो करीब आपको 20 मिनट के देखने को मिलने वाली है और आप लोग पूरा एंजॉय करना फिश एंड फन की वीडियो क्यों। और भैया लोग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं भाई, जो यहाँ पे जो भैया लोग हैं वो लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई आप आराम से वीडियो बनाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो इसलिए हम उनका टाइम, ये देखो ये रखिए फ्लावर हॉर्न। और फ्लावर हॉर्न नहीं भाई, अरे यार अरवाना भाई, मैं नाम से सॉरी यार अगर मैं नाम गलत ले देता हूँ एक दो फिश का, क्योंकि मैं कभी कभी ज़्यादा एक्साइटमेंट में ना गलत नाम ले लेता हूँ। और मेरी अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगता है तो थैंक सॉरी यार, मुझे माफ़ कर देना, मैं भी बहुत छोटा हूँ। हाँ अभिषेक भाई दिखाओ पूरा। ये देखो भाई अभी ये इसमें केमिकल डला हुआ है ना, ये देखो भाई ये है अरवाना भाई, बहुत ही प्यारी यार अरवाना भाई। ये अभी केमिकल डला है ताकि ये शायद मेरे हिसाब से अभी अभी जो इनका जो स्टॉक है वो आया हुआ है और हम लोग जस्ट अभी आए हैं, हमने कहा एक वीडियो शूट करते हैं और ये स्ट्रेस रिलीव करता है ना, स्ट्रेस रिलीव करता है। और ये छोटी वाली नहीं से भाई, ये देखो कितने सारे फिशेज हैं यार भाई। ये है किसिंग गोरामिस भाई, कितने सारा नाम है यार फिशेज के। इसका नाम क्या है भाई? शार्क। तो दोस्तों ये है शार्क नॉर्मल से। और हाँ यार गाइस कितनी सारी यार, ये इसको बोलते हैं सकर कैट। सकर कैट दोस्तों देख सकते हो, सकर के तो ये बहुत सादा है यार, ये देखो एक बार चेक करो, ये देखो ये कितनी तेजी से फास्ट स्विम कर रही है। और मेरे को क्वालिटी बता देना कि क्वालिटी वीडियो की कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही, वीडियो की क्वालिटी मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कैसी आ रही कैसी नहीं आ रही। सो हम लोग नेक्स्ट टाइम और अच्छा करेंगे। और यहाँ पे इतने सारे टैंक है भाई, पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कितने सारे टैंक है भाई। मैं हमेशा भाई 2 से 4 दिन में एक बार यहाँ का राउंड मारता हूँ और या तो अभिषेक फिश लेता है या तो मैं खरीदता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ से हम लेके ही जाते हैं। और यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती है भाई, नया नया एक्सपीरियंस होता है। सो आप लोगों से भी बोलता हूँ अगर आपको अच्छे फिशेज लेनी है तो आप लोग यहाँ विज़िट करो और बहुत नई नई फिशेज आपको देखने को मिलेगी। इम्पोर्टेड फिश भी मिलेगी विद सर्टिफिकेट विदाउट सर्टिफिकेट, दोनों फिशेज यहाँ पर जो है अवेलेबल होती हैं। प्राइस वगैरह भी आप आइए चेक करिए एक बार, है ना अभिषेक भाई? बिल्कुल भाई। और देखो ये है रिलीफ, इतनी बड़ी अरवाना भैया, आपका नाम तो बता दो भाई आपका नाम। गौरव शर्मा। सो भाई गौरव शर्मा भैया जो हैं आपको हमेशा मिलेंगे, आइए आपको थोड़ा गाइड वगैरह भी कर देंगे, आपको जो फिश में अगर कभी भी डाउट होगा ना तो भैया आपको सब कुछ बता देंगे भाई। इंपोर्टेड ऑस्कर। इंपोर्टेड ऑस्कर ये देखो दोस्तों, इंपोर्टेड ऑस्कर देख रहे हो, क्वालिटी भी बहुत प्यारी भाई, बहुत ही प्यारी। ऊपर अरवाना। सो भाई ऊपर रखी मेरी फेवरेट फिशेस जो है अरवाना, तो
सो गाइस ये है अरवाना। देखो यार छोटी छोटी फिशेज जो हैं वो भी सारी हैं यहाँ पे। क्वालिटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है भाई, क्वालिटीज़ भी बढ़िया है और फिश जो है वो क्वांटिटी में मिलेंगी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। इन्होंने पत्ती भी डाल के रखे हैं ताकि फ़िश को जो है नेचुरल वाला वाइब आए, पानी इससे अच्छा रहता। दोस्तों अभिषेक भैया उधर जा चुके हैं, देखो भाई कितनी सारी। हाँ अभिषेक भाई ये फिश देखो दोस्तों सेल के लिए नहीं है, इन्होंने डिस्प्ले करके रखा है इस फिश को। और टैंक देखो कितना प्यारा बना के रखा है, ये देखिए मार्बल एंजल्स, क्या बोलेंगे मार्बल एंजल्स, ये मार्बल एंजल्स, ये है मार्बल एंजल्स जो कि ये देखिए दोस्तों, ये है मार्बल एंजल्स भाई, बहुत ही प्यारी है फिश। ये देखिए दोस्तों क्या प्लांटेशन वाला टैंक बना के रखा है, बहुत ही प्यारा। इसके अंदर ड्रिफ्ट फूड भी है, रॉक्स हैं इसमें, बट एक फिश मरी हुई है जो कि एंजल है। और दोस्तों ये है गोल्डन, देख रहे हो ये है गोल्डन फिश जो बहुत सारी आई हुई हैं। साइज़ भी बढ़िया है इनका, इस साइज़ की भी आप फिश लग रख सकते हो। बट एक ये देखो भाई अभिषेक कुछ और देख रहा है, क्या दिखा रहे हो? मॉली की ब्रीडिंग करोगे क्या आप? भाई मॉली की ब्रीडिंग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि भाई सबसे बड़ी साइज़ की, देखो मैं साइज़ दिखाता हूँ एक बार, अराउंड 4 इंच का साइज़ है ये देखो, 4 इंच का साइज़ होगा इसका दोस्तों। देखिए मॉली का 4 इंच का साइज़ यार, ये देखो ये देखो ये लोडेड है भाई, ये लोडेड है, ये देखिए ये लोडेड है भाई। ये कितने बच्चे देखे सर एक बार में? देखिए तो भाई 50 से 70-80 बच्चे, क्या पता कितने बच्चे देखिए, 50 से प्लस ही देखिए मतलब। भाई अगर कोई भी ब्रीडिंग करना चाहता है भोपाल में तो जल्दी से आप पेशेंट फन आ जाओ, और यहाँ पे जो स्टॉक है नया वाला ये ज़रूर चेकआउट कर लो भाई, क्योंकि ये इसमें ज़्यादातर जो फिशेज दिख रही है मेरे को लोडेड दिख रही है। देखो अभिषेक एक लोडेड, अगर ये देखो ये कितनी लोडेड है, ऐसा ये तो कल तक में दे देगी मेरे को लग रहा है बच्चे, ये देख रहे हो दोस्तों ये कल तक में बच्चे दे ही देगी पक्का, मैं कंफर्म हूँ। और ये कोई नो, ये तो नॉर्मल है भाई, इसमें सारी फीमेल्स है भाई, सारी के सारी फीमेल्स है, गप्पी फीमेल भाई। ये देखो यार फीमेल्स वैसे मिलती नहीं है फीमेल्स में पूरे भोपाल में, चेक कर रहा था अपन कल निकले थे भाई, हम लोग कल निकले थे पूरे भोपाल में फीमेल्स देख रहे थे गप्पीज की, तो हमें बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक शॉप पर मिली थी जो कि है जहांगीराबाद में, तो हमने वहां से 5 से 7 फीमेल्स निकलवा ली थी। और अब देखो यहां पे इतने सारे फिशेस स्टॉक आ चुका है, तो दोस्तों देखो किस तो लोडेड भी हैं, ये देखो भाई बहुत सारी यार, बहुत आप लोग को ना काउंट नहीं कर पाओगे इतनी सारी फिशेस इसमें डली हैं। और ये डली हुई है चॉकलेट का पीस, डजन मिल जाना चाहिए आपको ये सब, तो आपको सस्ती पड़ेगी डजन में। और इसमें सारे के सारे मेल डले हुए दोस्तों, ये देखो इसमें सारे के सारे मेल डले हुए। ये नीचे देखो भाई टाइगर बार, टाइगर बार इनका कलर कैसा है यार भाई? अभी कलर दो वैरायटी के हैं, टू वैरायटी, ये यूनिक कलर है, मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इस कलर को, है ना। और यहाँ टेम से बेटा का स्टॉक बता दो भाई। भाई ये बेटा का स्टॉक कुछ इस तरीके से आता है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे अभी बेटा जो है बहुत सारी रखी हुई हैं, और ये देखो बेटा के टैंक देखो आप लोग, ऐसे है इस तरीके से टैप सेटअप बना के रखा है बेटा का, ये देखो है कुछ इस तरीके का टैंक, इसके अंदर मिनी पपर जो है रखी हुई है, आप लोग गौर से देखिए। वैसे शायद नहीं मिलेगी, अब तो नहीं मिलेगी। दोस्तों ये है फिश एंड फन का कुछ इस तरीके से भाई, और ऊपर रख के रखी ना पाकू, देख रहे हो पाकू है ये दोस्तों पाकू। अभी तो 10 मिनट का वीडियो मैंने बना लिया दोस्तों आप सबके लिए, आप लोगों की डिमांड रहती है कि आप थोड़ा बड़ा वीडियो बनाइए, सो मैं थोड़ा सा बड़ा वीडियो आप सबके लिए बना रहा हूँ, इसमें सब कुछ फिशेस जो है आ पाए। और भैया लोगों का जो दोस्तों काउंटर होता है, इन्होंने ये भी फिश एक्वेरियम से बनाया टैंक से पूरा, जो ये भाई बहुत प्यारा लग रहा है। इसके अंदर बहुत अलग अलग फिशेस हैं, ये देखो जो बहुत यूनिक है, ये इसका कलर देखो, सबसे पहले मेरे को कलर इसका बहुत प्यारा लगा, देख रहे हो दोस्तों ये, और रॉक्स वगैरह भी बहुत प्यारे लगे हुए हैं। कुछ यूनिक आइडिया से इन्होंने ये बनाया है पूरा सेटअप, देखो। और ये हमारी फिश जो हम लोगों ने पैक कराई है,
देख रहे हो दोस्तों, जहाँ तक नज़रें जाएंगे ना आपकी, वहाँ तक आपको सब कुछ यही मिलने वाला है। और एक कलर विडो है, कलर विडो जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है अभी। कलर विडो में आपको नियॉन कलर, ऑरेंज कलर, पिंक कलर देखने को मिलेगा। ये देखो ये सारी टेट्रा ऐसे हैं, ये पूरे टैंक में टेट्रास टेट्रास हैं। और इस वाली साइड में गोल्ड ही गोल्ड है, ये देखो इस वाली साइड में सिर्फ गोल्ड ही गोल्ड देखने को मिलेगी आपको। बट येलो एक्वेरियम भाई सच में बहुत प्यारा लगा मेरे को। ये देखो इसकी सुंदरता देखो एक बार, सच में भाई बहुत प्यारा टैंक है ज़्यादा। और दोस्तों ये है नियॉन टेट्रास, जो साइज़ में भी थोड़ी छोटी हैं। ये प्लांटेशन के सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास प्लांटेशन एक्वेरियम है तो आप लोग रख सकते हो। मेरे पास ऑलरेडी गप्पीज एंड मॉलीज हैं, इस वजह से मैं इसको लेके नहीं जा रहा, वरना इसको मैं ज़रूर लेके जाता अपने टैंक में और रखता भी, क्योंकि मेरे को ये बहुत अच्छी फिश लगती है। ये देखो दोस्तों ये देखो भाई बहुत ही अच्छा है। दोस्तों ये है प्लांट्स की वैरायटीज वगैरह यहाँ पे रखी है, सारे प्लांट्स जो है लाइन से रखे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो यहाँ प्लांट्स वगैरह हैं। दोस्तों ये अरापाइमा है, ये मॉन्स्टर वैरायटी है सर भाई, ये होती है अपनी फुल ग्रोथ में आई 10 से 12 फिट की, 10 फिट। हाँ अभी वो बेबी है अरापाइमा का, अरापाइमा का बेबी है दोस्तों। ये देखो यार कैमरे में नहीं आ रही, कैद नहीं हो रही भाई। ये देखिए दोस्तों अरापाइमा, ये रेडटेल कैट पे, रेडटेल कैट भी तो मॉन्स्टर है ना, ये बड़ी होंगे मॉन्स्टर वैरायटी, गोल्ड वगैरह वो तो खा लेती है आराम से, कितना बड़ा है इस साइज में। तो पीछे लोगों ने कैमरा मुझे भाई कितना मस्त तरीके से बना के रखा है मेरे को ना, दोस्तों ये देखो कितना मस्त तरीके से भैया ने डिजाइन करा है, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। और मैं वैसे कैमरे में ज़्यादा आता नहीं हूँ, बट आज आ रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के। इतने देर से मैं स्ट्रेस में था, सच में भाई मेरा स्ट्रेस रिलीफ हो जाता है यहाँ के, इतने देर से मैं बाहर था ट्रैफिक में, मेरा मूड सच में बहुत ऑफ था, बट यहाँ आके बाद मेरे को पॉजिटिव वाइब आ रही है, अच्छा लग रहा है एकदम। जितना फ्रस्ट्रेशन था ना इन फिश को देख के सारा उतर गया मेरा, इसलिए भाई मैं एक फिश हार्वेस्ट हूँ। जितना भी मेरा जो होता है ना कहते हैं फ्रस्ट्रेशन, सारा के सारा मेरा फ्रस्ट्रेशन आज उतर चुका है भाई। भाई बहुत प्यारी फिश है यार ये देख के, ये देखो दोस्तों ऑस्कर वगैरह भी रखने का तुम्हें? हाँ भाई ऑस्कर रखना है ना हमको। अच्छा ऑस्कर भी रखना है, आप ले लो राजन भाई। हम ऑस्कर नहीं ले रहे यार अभी, हमारे पास एक 3 फीट का टैंक है, हम पहले उसको खाली करेंगे फिर हम सोचेंगे। तो दोस्तों वीडियो तो बहुत अच्छा बनाया हमने, बड़ा बनाया आप सभी के लिए, क्योंकि आप लोगों की डिमांड थी कि थोड़ा बड़ा वीडियो बनाओ। सो ये था बड़ा वीडियो। स्नेगल बता दो, स्नेगल ही बता दे, कहाँ है स्नेगल? स्नेगल नहीं बताया आपने भाई, क्या स्नेगल यार, वो तो कैमरे में भी नहीं आना चाह रहा, वो तो भगभग जा रहा है बार बार दूर जा रहा है स्नेगल। ये देखिए दोस्तों स्नेगल, इसमें तो बहुत सारे फिश थे यार, नाइफ फिश। नाइफ फिश कैसे लग रही है इंडियन, इंडिया में इसको क्या बोलते हैं पतोला। दोस्तों ये देखो भारत के लोग इसको बोलेंगे पतोला, ये पतोला फिश है वैसे। दोस्तों इस ये छोटे वाले स्नेगल क्या रेट है? पेयर 1400 रुपए, 1400 रुपीज पेयर। ये भी मॉन्स्टर वैरायटी है। अच्छा ये बीबीज है अभी? हाँ छोटे हैं अभी। किसके बीबीज हैं? स्नेगल, स्नेगल के अलग आपके ये लो। अच्छा अच्छा एल्बिनो स्नेगल, एल्बिनो, एल्बिनो क्यों बोलते हैं इसको भाई? कलर है ना रेड आई। अच्छा अच्छा ये देखो दोस्तों एल्बिनो। तो दोस्तों ये था वीडियो फिश एंड फन का, आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक गुड बाय।